हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन द्वारा लिखा हुआ नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से लिटरेचर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, राइटर्स की बायोग्राफीज, उनके वर्क्स के बारे में क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जेन ऑस्टन बॉर्न? जेन ऑस्टन का जन्म हुआ था 1775 में। वेयर वाज जेन ऑस्टन बॉर्न? जेन ऑस्टन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। व्हेन डिड जेन ऑस्टन डाय? जेन ऑस्टन की डेथ हुई थी 1817 में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एक्ट्स हैज द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस में कितने एक्ट्स हैं? इसमें 5 एक्ट्स हैं। द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ? बेनेट फैमिली किस विलेज में रहती है? वो लॉन्ग बॉन्ड में रहती है। हाउ मेनी बेनेट सिस्टर्स आर इन द नोबल? नोबल में कितनी बेनेट सिस्टर हैं? इसमें 5 बेनेट सिस्टर हैं, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के कितनी डॉटर्स हैं? 5 डॉटर्स हैं। वट इज द नेम ऑफ द एस्टेट वेयर मिस्टर बिंगले लिव्स? मिस्टर बिंगले किस एस्टेट में रहते हैं? वो नेदरफील्ड पार्क में रहते हैं। मिसेस बेनेट इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द एक्विंटेंस ऑफ मिस्टर बिंगले इन ऑर्डर टू डू वॉट? मिसेस बेनेट मिस्टर बिंगले से एक्विंटेंस बनाने में, जान पहचान बनाने में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, और वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं? टू मैरी ऑफ हर डॉटर्स। वो चाहती हैं कि उनकी 5 डॉटर्स में से किसी एक की मैरिज उनके साथ हो जाए। वेयर डू मिस्टर बिंगले एंड जेन बेनेट फर्स्ट मीट? मिस्टर बिंगले और जेन बेनेट सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? अ बॉल इन मैरिटन, मैरिटन में एक बॉल में। व्हाट वर्ड डज मिस्टर डार्सी फर्स्ट यूज टू डिस्क्राइब एलिजाबेथ बेनेट? डार्सी क्या वर्ड यूज करते हैं सबसे पहले एलिजाबेथ को डिस्क्राइब करने के लिए? वो यूज करते हैं टॉलरेबल। हु इज द हीरोइन ऑफ द नोबल? नोबल की हीरोइन कौन है? एलिजाबेथ बेनेट। हु इज चार्लोट ल्यूकास? चार्लोट ल्यूकास कौन है? एलिजाबेथ क्लोजेस्ट फ्रेंड है। शॉर्टली आफ्टर द बेनेट्स बिकम एक्विंटेड विद द बिंगलेस, जब बेनेट की जान पहचान बिंगलेस से हो गई, हु गोज टू मैरिटन टू विजिट मिसिज बेनेट सिस्टर? तो मिसिज बेनेट की सिस्टर से मिलने कौन जाता है मैरिटन? मिसिज फिलिप्स, मिसिज फिलिप्स जो बेनेट की सिस्टर है उनसे मिलने मैरिटन कौन जाता है? तो वो जाती है किटी एंड लीडिया। किटी और लीडिया यंगेस्ट डॉटर्स हैं बेनेट फैमिली की। व्हेन जेन एक्सेप्ट्स एन इनविटेशन टू विजिट द बिंगलेस, बिंगले से मिलने के लिए जब जेन उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है, हाउ डज शी ट्रेवल? तो वो किस तरीके से जाती है? ऑन अ हॉर्स, वो एक हॉर्स पर जाती है। जब वो हॉर्स पर जाती है तो रास्ते में बारिश हो जाती है जिसकी वजह से वो भीग जाती है, और उसे वहाँ पर नेदरफील्ड पार्क में, यानी कि बिंगलेस की यहाँ पर रुकना पड़ता है। हु सेंड्स एन इनविटेशन फॉर जेन टू डिनर? जेन को इनविटेशन कौन भेजता है डिनर के लिए? कैरोलाइन बिंगले, सिस्टर ऑफ मिस्टर बिंगले। मिस्टर बिंगले की सिस्टर है कैरोलाइन बिंगले, जो इनविटेशन भेजती है जेन को डिनर के लिए, और जेन उसे एक्सेप्ट कर लेती है इनविटेशन को, और वो वहां पर जाती है नेदरफील्ड पार्क में, हॉर्स पर जाती है और रास्ते में बारिश हो जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ डार्सीज एस्टेट? डार्सी के एस्टेट का नाम क्या है? पेम्बरले एस्टेट। विच रूम इन डार्सीज एंसेस्ट्रल होम इज डिस्कस्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथ फर्स्ट विजिट विद मिस्टर बिंगले? जब एलिजाबेथ की फर्स्ट विजिट होती है मिस्टर बिंगले से, तो डार्सी के एंसेस्ट्रल होम का, यानी कि पैतृक घर के किस रूम के बारे में बात की जाती है? तो बात की जाती है द लाइब्रेरी, यानी कि रूम किस रूम के बारे में बात की जाती है? लाइब्रेरी के बारे में बात की जाती है डार्सी के एंसेस्ट्रल होम की। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ जेन्स इलनेस, और जब जेन की इलनेस के बारे में पता चलता है, हु बेंट टू सी हर, तो उसे देखने कौन जाता है नेदरफील्ड पार्क में? यानी कि जेन जब बारिश में भीग जाती है तो उसे वहां पर रुकना पड़ता है नेदरफील्ड पार्क में।
तो जब ये न्यूज़ एलिजाबेथ को पता चलती है तो वो अपनी सिस्टर को जेन को देखने नदरफील्ड पार्क जाती है। एलिजाबेथ जेन के लिए बहुत ही कॉन्शियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एलिजाबेथ रीच नदरफील्ड टू सी जेन? जेन को देखने के लिए एलिजाबेथ नदरफील्ड किस तरीके से पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? बाय वॉकिंग, वो चलकर जाती है। शी रीच्ड एट नदरफील्ड विद टायर्ड लेग्स, डर्टी स्टॉकिंग्स एंड अ फेस ग्लोइंग विद द एक्सरसाइज। वो चलकर जाती है क्योंकि उसे जाने के लिए कोई साधन नहीं दिखता है, तो फिर वो पैदल ही चली जाती है। जेन के लिए बहुत ही कॉन्शियस है एलिजाबेथ, और जब वो नदरफील्ड पहुंचती है तो बहुत ही टायर्ड है, उसकी पैर बहुत थक चुके हैं। डर्टी स्टॉकिंग्स एंड अ फेस ग्लोइंग विद द एक्सरसाइज, और चलने से जो थकान उसके चेहरे पर आई है, एक्सरसाइज उसकी हुई है चलने से, उससे उसका जो फेस है वो ग्लो कर रहा है। विद हुम मिसेस बैनेट अराइव्ड एट नदरफील्ड टू सी जेन? जेन को देखने के लिए मिसेस बैनेट जब आती हैं नदरफील्ड तो वो किसके साथ आती हैं? विद हर टू यंगेस्ट डॉटर्स, अपनी दो छोटी बेटियों के साथ, किटी एंड लीडिया। व्हाइल विजिटिंग जेन एट नदरफील्ड, वॉट इवेंट डज 15-year-old लीडिया बैनेट आस्क मिस्टर बिंगले टू होस्ट? जब जेन को देखने के लिए नदरफील्ड जाती है मिसेस बैनेट हैं, लीडिया और किटी जब जाते हैं, तो जो 15-year-old लीडिया है वो मिस्टर बिंगले से क्या होस्ट करने के लिए कहती है? तो वो कहती है अ बॉल पार्टी होस्ट करने के लिए वो कहती है। What instrument does Miss Bingley play for her guest? अपने गेस्ट के लिए मिस बिंगले कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं? मिस बिंगले यानी कि मिस कैरोलाइन बिंगले, जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर हैं, वो पियानो बजाती हैं। नेक्स्ट है, Who will inherit Mr. Bennet's property? मिस्टर बैनेट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कौन करेगा? मिस्टर बैनेट की प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनेगा? मिस्टर कॉलिंस हैं मिस्टर बैनेट की प्रॉपर्टी के मालिक, डिस्टेंट कजिन ऑफ मिस्टर बैनेट। मिस्टर कॉलिंस जो हैं वो मिस्टर बैनेट के डिस्टेंट कजिन हैं, दूर के भाई हैं। सिंस मिस्टर बैनेट हैज़ नो मेल एयर, क्योंकि मिस्टर बैनेट का कोई मेल एयर नहीं है, कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए उनके जो दूर के भाई हैं मिस्टर कॉलिंस, वो उनके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। और जो मिस्टर कॉलिंस है वो अ क्लर्जीमैन है, एम्प्लॉयड बाय लेडी कैथरीन डी बोग। लेडी कैथरीन डी बोग के द्वारा एम्प्लॉय किए हुए एक क्लर्जीमैन है, यानी कि पादरी है मिस्टर कॉलिंस, जो काम करते हैं लेडी कैथरीन डी बोग के यहाँ, उन्होंने उसे एम्प्लॉय किया हुआ है। नेक्स्ट है, हु इज लेडी कैथरीन डी बोग? लेडी कैथरीन डी बोग कौन है? आंट ऑफ मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी यानी कि जो डार्सी है उनकी आंट है कैथरीन डी बोग। मिस्टर कॉलिंस विशेस टू मैरी, मिस्टर कॉलिंस किससे शादी करना चाहते हैं? वन ऑफ द बैनेट सिस्टर्स, जो बैनेट सिस्टर्स हैं उनमें से एक से वो शादी करना चाहते हैं। मिस्टर कॉलिंस फर्स्ट पे अमोरस अटेंशन टू, सबसे पहले मिस्टर कॉलिंस किसकी तरफ अटेंशन करते हैं अपनी? वो जेन के प्रति अपनी अटेंशन करते हैं। बट ऑन हियरिंग जेन्स अटेंशन विद बिंगले, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि जेन की अटेंशन बिंगले के प्रति है, कॉलिंस शिफ्ट्स हिज अफेक्शन टू, तो कॉलिंस अपनी अफेक्शन या अपनी अटेंशन को किधर शिफ्ट कर लेते हैं? तो वो शिफ्ट कर लेते हैं एलिजाबेथ की तरफ। जब उन्हें ये पता चलता है कि जेन की अटेंशन बिंगले की तरफ है, तो फिर वो अपनी अटेंशन एलिजाबेथ के प्रति शिफ्ट कर लेते हैं। एट मैरिटन लीडिया बैनेट मीट्स अ, मैरिटन में लीडिया बैनेट किससे मिलती है? हैंडसम यंग मिलिट्री ऑफिसर जॉर्ज विकम, जॉर्ज विकम से मिलती है, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है। व्हाट डज विकम टेल एलिजाबेथ अबाउट डार्सी, विकम एलिजाबेथ को क्या बताता है डार्सी के बारे में? That Darcy has wronged him by giving his living to someone else. विकम के बताता है एलिजाबेथ को कि डार्सी ने उसे धोखा दिया है कि उसकी जो लिविंग है यानी कि उसकी जो इनहेरिटेंस है वो उसने किसी और को दे दिया,
उसे ना देकर किसी और को दे दिया, यानी कि उसके इनहेरिटेंस को उसने स्टील कर लिया, चुरा लिया है और वो उसे ना देकर किसी और को दे दिया है। इस तरीके से डार्सी ने विकहम को धोखा दिया है, ऐसा विकहम एलिजाबेथ को बताता है। What does Miss Bingley tell Elizabeth about Wickham? Miss Bingley, जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर है, वो एलिजाबेथ को क्या बताती है विकहम के बारे में? विकहम के बारे में वो क्या बताती है एलिजाबेथ को? वो बताती है कि not to believe what Wickham has said about Darcy, कि जो भी विकहम ने डार्सी के बारे में ये कहा है उस पर भरोसा मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज विकहम? विकहम कौन है या हाउ हैज विकहम बीन कनेक्टेड डार्सीज फैमिली? विकहम डार्सी की फैमिली से किस तरह से कनेक्टेड है? विकहम वॉज द सन ऑफ मिस्टर डार्सीज स्टीवर्ड। विकहम मिस्टर डार्सी के स्टीवर्ड का सन है। मिस्टर डार्सी जो कि डार्सी के फादर हैं, डार्सी के जो फादर थे उनके डार्सी के फादर का जो स्टीवर्ड था उनके बेटे हैं विकहम। स्टीवर्ड होते हैं जो किसी को हम जिम्मेदारी दे देते हैं मैनेजमेंट की, अपने प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट की या किसी काम के मैनेजमेंट की, जिसको हम जिम्मेदारी दे देते हैं तरीके से मैनेजर के रूप में। तो वो स्टीवर्ड थे विकहम के फादर। विकहम के फादर स्टीवर्ड थे किसके? मिस्टर डार्सी, यानी कि डार्सी के फादर के। When Elizabeth declines the proposal of marriage, जब Elizabeth मैरिज के प्रपोजल को डिक्लाइन कर देती है, मना कर देती है, मिस्टर कॉलिंस शिफ्ट हिज अटेंशन टू, तो मिस्टर कॉलिंस अपनी अटेंशन किस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं? यानी कि जब मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है, तो फिर कॉलिंस अपनी अटेंशन किधर शिफ्ट कर लेते हैं? वो शिफ्ट कर लेते हैं चार्लोट लूकास की तरफ। She accepted the proposal और वो उस प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। चार्लोट ल्यूकास जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। Who are Mr. and Mrs. Gardiner? Mr. and Mrs. Gardiner कौन है? ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ मिसिज बैनेट। मिसिज बैनेट के ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हैं। Where does Gardiner take Jane to? Gardiner Jane को कहाँ ले जाते हैं? वो उसे लंदन ले जाते हैं। यानी कि जब जेन अपसेट होती है, उसे ये पता चलता है कि मिस्टर बिंगले डार्सी की सिस्टर से मैरिज करना चाहते हैं, तो जेन अपसेट हो जाती है और उसके मूड को चेंज करने के लिए गार्डनर उसे लंदन ले जाते हैं। Where does Elizabeth go to meet the Collinses? Collinses से मिलने Elizabeth कहाँ जाती है? Collinses हैं यहाँ पर मिस्टर कॉलिंस एंड चार्लोट, जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो उनको टुगेदर हम Collinses कह सकते हैं। तो Elizabeth उनसे मिलने कहाँ जाती है? एट हंसफोर्ड। वो हंसफोर्ड जाती है क्योंकि उसने चार्लोट से प्रॉमिस किया था कि वो उसे मिलने आएगी। Who invited the Collinses for dinner? Collinses को डिनर पर कौन बुलाता है? Collinses यानी कि मिस्टर कॉलिंस एंड चार्लोट, इनको डिनर पर कौन इनवाइट करता है? लेडी कैथरीन डी बो, जो कि कॉलिंस जिनके यहाँ एम्प्लॉयड है, वो लेडी कैथरीन डी बो उसे डिनर पर इनवाइट करती है एट रोजिंग्स। रोजिंग्स, ये लेडी कैथरीन रोजिंग्स में रहती है। तो क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हु इज द रिच लेडी ऑफ रोजिंग्स? रोजिंग्स की रिच लेडी कौन है? लेडी कैथरीन डी बो। नेक्स्ट है, हुम डज एलिजाबेथ ब्लेम फॉर सेपरेटिंग जेन फ्रॉम बिंगले? एलिजाबेथ किस पर ब्लेम लगाती है, किस पर आरोप लगाती है कि उसने जेन और बिंगले को सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है? तो वो आरोप लगाती है डार्सी पर कि डार्सी ने ही बिंगले को भड़काया है, उसने ही बिंगले और जेन को अलग किया है।
While Elizabeth taking a walk in the park, who gave her a letter? जब एलिजाबेथ पार्क में वॉक कर रही होती है तो उसे लेटर कौन देता है? डार्सी देता है. यानी कि जब वो एलिजाबेथ वॉक कर रही होती है तो डार्सी उसे लेटर देता है, और वो लेटर देता है अपने बारे में. उस लेटर में उसने बताया है कि जो विकम ने उसके बारे में कहा था डार्सी के बारे में कि डार्सी ने विकम को चीट किया है, उसको धोखा दिया है. तो इस बारे में डार्सी अपनी बात को क्लियर करता है उस लेटर में कि रियलिटी क्या है. हु ट्राइड टू इलोप विद डार्सी सिस्टर. डार्सी की सिस्टर के साथ इलोप करना यानी कि भागना कौन चाहता था? वेन शी वॉज ओनली 15, जब वो केवल 15 ईयर्स की थी तब डार्सी की सिस्टर के साथ कौन भागना चाहता था, कौन उसे भगा लेना चाहता था? डार्सी की सिस्टर का नेम है जॉर्जियाना, तो उसकी सिस्टर को कौन भगा लेना चाहता था जब वो केवल 15 ईयर्स की थी? तो वो विकम है. ये बात भी डार्सी ने अपने लेटर में क्लियर की थी कि जब उसकी सिस्टर केवल 15 ईयर्स की थी तो विकम ने उसे इलोप करने की भी कोशिश की थी. लीडिया इन्फॉर्म्स दैट द रेजिमेंट एट मैरिटन इज मूविंग टू. लीडिया इन्फॉर्म करती है कि जो रेजिमेंट है मैरिटन में वो मूव कर रही है. वो कहाँ के लिए मूव कर रही है? ब्राइटन के लिए. नेक्स्ट, हु इन्वाइटेड लीडिया टू अकंपनी टू ब्राइटन. लीडिया को कौन इन्वाइट करता है ब्राइटन के लिए साथ चलने के लिए? तो अ मिलिट्री ऑफिसर्स वाइफ, मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ, कॉलोनल फॉरेस्टर्स वाइफ, कॉलोनल फॉरेस्टर की जो वाइफ है वो इनवाइट करती है लीडिया को उनके साथ ब्राइटन चलने के लिए. वेयर डज एलिजाबेथ गो विद द गार्डनर्स ऑन अ टूर. गार्डनर्स के साथ में एलिजाबेथ कहाँ जाती है टूर पर? तो वो जाते हैं पेम्बरले. पेम्बरले जो कि डार्सी की एस्टेट है. लीडिया इलोप्स विद. लीडिया किसके साथ भाग जाती है? वो विकम के साथ भाग जाती है. नेक्स्ट है, विकम इज प्रिपेयर टू मैरी टू लीडिया ऑन कंडीशन दैट. विकम लीडिया से मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए तैयार होता है किस कंडीशन पर, किस शर्त पर, उसकी क्या शर्त होती है? तो मिस्टर बैनेट सेटल्स ऑन लीडिया स्पेसिफाइड अमाउंट एंड एडिशनल एन्यूटी ऑफ 100 pounds. तो उसकी कंडीशन होती है कि मिस्टर बैनेट अपनी प्रॉपर्टी का जो शेयर है यानी कि लीडिया के हिस्से में जो शेयर आ रहा है वो उसे लीडिया को दे दें, और एडिशनल इसके अलावा वो सालाना 100 pounds भी उन्हें दें. ये विकम की कंडीशन थी. इस कंडीशन पर वो तैयार था लीडिया से शादी करने के लिए. हु फाइंड्स लीडिया एंड विकम इन लंडन. लंडन में लीडिया और विकम को कौन ढूंढता है? डार्सी. यानी कि जब लीडिया और विकम भाग जाते हैं तो उन्हें कौन ढूंढता है? डार्सी ढूंढता है. मिस्टर बैनेट उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं पर वो ढूंढ नहीं पाते हैं. तो मिस्टर गार्डनर जो है वो मिस्टर बैनेट से कहते हैं कि आप आ जाइए और इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं ढूंढता हूँ. लेकिन उन्हें ढूंढता कौन है? उन्हें डार्सी ढूंढ लेता है. हु कॉम्पेल्स विकम टू मैरी लीडिया. विकम को कौन कॉम्पेल करता है, कौन उसे मजबूर करता है लीडिया से शादी करने के लिए, कौन मनाता है विकम को? तो वो डार्सी मनाता है. व्हाट एक्सप्लेनेशन डज विकम्स फ्रेंड डैनी गिव फॉर विकम्स फेलियर टू अटेंड द बॉल एट नेदरफील्ड. यानी कि नेदरफील्ड में जो बॉल पार्टी हो रही थी उसमें विकम नहीं आता है, और विकम के न आने का जो कारण है तो विकम का फ्रेंड जो डैनी है वो क्या बताता है कि क्या कारण है जो विकम इस पार्टी में, बॉल पार्टी में नहीं आ पाया है? तो वो बताता है ही इज अवॉइडिंग डार्सी. वो डार्सी को अवॉइड करने के लिए इस पार्टी में नहीं आता है क्योंकि वो जानता है कि डार्सी इस बॉल में आएगा, इस पार्टी में आएगा, इसलिए वो नहीं आया. एट द नेदरफील्ड बॉल, नेदरफील्ड बॉल में मैरी बैनेट embarrasses herself by. नेदरफील्ड बॉल पे जो नेदरफील्ड बॉल पार्टी थी उसमें मैरी अपने आप को किस चीज से, किस बात से अपने आप को embarrasses कर लेती है यानी कि शर्मिंदा करती है. परफॉर्मिंग अ टेरिबल सॉन्ग, एक टेरिबल सॉन्ग परफॉर्म करके
एक सॉन्ग वो परफॉर्म करती है जो कि बहुत ही टेरेबल होता है, यानी कि अच्छा मतलब जिसे हम कहते हैं सॉन्ग बहुत ही आनंददायक होता है, मीठा होता है, वैसा नहीं होता है उसका सॉन्ग, बहुत ही टेरेबल सॉन्ग वो प्रेजेंट करती है और इस तरीके से वो अपने आप को शर्मिंदा कर लेती है। मैरी बेनेट, मैरी बेनेट जो 5 सिस्टर्स हैं उनमें से एक है, ये थर्ड नंबर पे है, फर्स्ट जेन है, फिर एलिजाबेथ है, फिर मैरी है और यंगेस्ट हैं लीडिया और किटी। इन मिस बिंगलेज लेटर इन्फॉर्मिंग जेन ऑफ द पार्टीज रिटर्न टू द सिटी, हु डज शी इम्प्लाई विल बी मैरिड शॉर्टली। मिस बिंगले लेटर भेजती हैं जेन के लिए, उसे इन्फॉर्म करती हैं कि पार्टी रिटर्न टू द सिटी, कि वो लोग सब वापस आ रहे हैं सिटी में, यानी कि नेदरफील्ड सब वापस आ रहे हैं। तो हु डज शी इम्प्लाई विल बी मैरिड शॉर्टली, तो किसके बारे में वो बताती है कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। तो बताती है कि बिंगले और जॉर्जिना डार्सी, यानी कि डार्सी की जो सिस्टर है जॉर्जियाना, वो और बिंगले शादी कर लेंगे। इस बात से जेन अपसेट हो जाती है कि जेन बिंगले को पसंद करती है और डार्सी ने ही बिंगले से कहा था कि बैनेट सिस्टर से अलग रहें, उनको अलग करने में डार्सी का हाथ था, जो कि एलिजाबेथ भी उस पर आरोप लगाती है डार्सी पर। तो जेन इस बात से अपसेट है कि बिंगले जॉर्जिना से शादी करने जा रहे हैं, और जब जेन अपसेट होती है तब मिस्टर गार्डनर उसे लंदन ले जाते हैं उसका मूड चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉमिस डज एलिजाबेथ मेक टू चार्लोट। एलिजाबेथ चार्लोट से क्या प्रॉमिस करती है, टू विजिट हर, कि वो उसे मिलने आएगी, और एलिजाबेथ उससे मिलने हंसफोर्ड जाती है। लीडिया लेफ्ट अ लेटर टू मिसेस फोस्टर सेइंग दैट शी वाज गोइंग टू। लीडिया मिसेस फोस्टर के लिए एक लेटर छोड़ देती है, जो मिसेस फोस्टर कॉलोनल फोस्टर की वाइफ हैं, जो लीडिया को जिन्होंने लीडिया को इनवाइट किया था ब्राइटन चलने के लिए। तो उनके लिए लीडिया क्या लेटर छोड़कर जाती है कि वो कहाँ जा रही है, तो वो लेटर में लिख कर जाती है कि वो ग्रेटना ग्रीन जा रही है विद विकम, विकम के साथ। लेडी कैथरीन डी वोक्स डॉटर, लेडी कैथरीन डी वोक की डॉटर इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई एलिजाबेथ एज, एलिजाबेथ उनकी डॉटर को किस तरीके से डिस्क्राइब करती है, सिकली लुकिंग, कि वो बहुत ही सिकली दिखती है, बीमार दिखती है। हु इज कॉलोनल फिट्ज विलियम, कॉलोनल फिट्ज विलियम कौन है, डार्सीज फ्रेंड, डार्सी के फ्रेंड है। वेयर डू लीडिया एंड किटी होप टू कन्विंस देयर पेरेंट्स टू स्पेंड द समर। लीडिया और किटी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो समर को, समर यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएं, तो वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में वो जाएं ब्राइटन। व्हाट डज एलिजाबेथ डे ड्रीम अबाउट ड्यूरिंग हर टूर टू डार्सीज एस्टेट विद द गार्डनर्स। जब एलिजाबेथ गार्डनर्स के साथ में, यानी मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर्स के साथ में पेम्बरले एस्टेट जाती है, तो वो क्या डे ड्रीम करती है, क्या सपना देखती है, क्या ख्वाब देखती है, तो वो देखती है बीइंग द हाउसेज मिस्ट्रेस, कि वो उसके घर की मिस्ट्रेस बनेगी। ये यहाँ पर प्राइड एंड प्रेजुडिस के क्वेश्चंस हैं, यहाँ हमने 55 क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं, टोटल हमने 90 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं इसके लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इसलिए जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर किए हैं। तो आगे के क्वेश्चन आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, बहुत लॉन्ग हो रही है वीडियो, इसलिए 55 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और आगे के क्वेश्चंस वो हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप इसके नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें इसके आगे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थैंक यू।